नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके, यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेडगो में मिल सकती है। हमारा पेडगो भी चल रहा है, फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे हमेशा। लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेडगो भी चल रहा है, जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9696060089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बीपीएससी मेंस प्रीवियस ईयर का जीएस पेपर 1। होपफुली ये जीएस पेपर 1 का हमारा लास्ट पेपर होगा, लास्ट वीडियो होगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी और ईपीएफओ से संबंधित। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज दोनों ही यहां पर मिल जाएगी। इससे संबंधित अधिक जानकारी आप इन गिवन नंबर्स से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं और चैनल से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। देखिए, तो इसमें हम 48 से 52 बीपीएससी का जीएस पेपर 1 डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं उनको अगर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो उनको भी यहाँ पर हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो आइए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर बात की गई है कि रवींद्रनाथ टैगोर के विचारों में हमको सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व का वर्णन करना है, ठीक है। जो रवींद्रनाथ टैगोर के विचार हैं उनके सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व का वर्णन करना है। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन में रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे और इन्होंने भारत में शिक्षा और साहित्य में क्रांति ला दी थी, ठीक है। तो काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी इन्होंने शिक्षा और साहित्य में भारत में। ये मेनली एक पॉलीमैथ थे, यानी कि पोएट, राइटर, प्लेराइट, कंपोजर, फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर, पेंटर, ये सभी रवींद्रनाथ टैगोर में सारी ही चीज़ें सम्मिलित थी। और इन्होंने साहित्य को समृद्ध किया था और साथ ही स्वतंत्रता पूर्व भारत में स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे समय में जब भारत जो था वो स्वतंत्रता आंदोलन की सही भाषा खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा अपने कार्यों के माध्यम से इन्होंने वैश्विक अखंडता के विचार की वकालत की थी। और इन्होंने बंगाली जो पॉपुलेशन थी उसको एकजुट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उसके लिए इन्होंने एक गीत भी लिखा था। इन्होंने राखी उत्सव की शुरुआत की थी, जहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर रंगीन धागे बांधे थे। देखिए, स्वदेशी मूवमेंट के समय पर यह हुआ था। और इन्होंने सार्वभौमिक जो विचारधारा थी इसके कारण टैगोर को विश्व कवि भी कहा जाता है। इनकी जो सार्वभौमिक विचारधारा रही है उसके कारण इनको विश्व कवि भी कहा जाता है। और साथ ही हमको पता है कुछ और पॉइंट्स, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था लिटरेचर में। ये पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है, और इनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, राइट। तो इनके जो कार्य हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। इन्होंने बंगाली लिटरेचर को एक नई दिशा दी थी। और तो इनसे रिलेटेड हमको कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर अगर हम ऐड कर देंगे तो जिस हिसाब से हमारी वर्ड लिमिट होगी उसको यहाँ पर हमको फुलफिल करना है बेसिकली। और इन पॉइंट्स को लेकर जो भी इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स रहे हैं, उनके जो भी सोशल और कल्चरल सिग्निफिकेंस रहा है, उनके जो वर्क्स हैं उनको भी यहाँ पर हम थोड़ा मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उनको नोबेल प्राइज़ मिला है, और उन्होंने किस तरह से जो हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, नेशनल मूवमेंट रहा है, उसमें उन्होंने योगदान दिया, उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में क्या रोल अदा किया, ये सारे पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो इससे हम अपने आंसर को और एनहांस कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। शांति निकेतन की इन्होंने स्थापना की, और इन्होंने अमार सोनार बांग्ला दिया गीत इन्होंने गाया था, इसको लिखा भी था इन्होंने, और ये आगे चलकर बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के बाद वहाँ का नेशनल सॉन्ग बन गया, सॉरी नेशनल एंथम बन गया, नेशनल सॉन्ग नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो स्वदेशी मूवमेंट में जो इन्होंने कार्य किए, जो इन्होंने गीत लिखा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हमें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के योगदान का वर्णन करना है, ठीक है। देखिए, तो ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, और ये थर्ड मास मूवमेंट था उनके द्वारा जो लीड किया गया था। 5 अगस्त 1942 को बॉम्बे में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें इसको पास किया गया था क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, और गांधी जी ने डू और डाई का नारा भी दिया था, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस स्लोगन है इनका। और बिहार की यहाँ पर बात की गई है, तो बिहार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस आंदोलन में, और बिहार के जो महत्वपूर्ण नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका भी अहम रोल रहा है। तो यही सारे पॉइंट्स हमको यहाँ पर डिस्कस करने हैं, देख लेते हैं
क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है कि जो ये आंदोलन था ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में तीसरा जन आंदोलन था और ये देश भर में लोगों ने इसमें भाग लिया था और बिहार भी इसमें महत्वपूर्ण रूप से भागीदार रहा है। बिहार के जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने, वे इसमें एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे थे, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए जो बिहार के अन्य नेता थे उनमें कौन कौन शामिल है, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, तो ये इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जिनके नाम आपको मेंशन करने चाहिए। फिर है कि पटना के छात्रों ने आंदोलन के दौरान अनुकरणीय साहस दिखाया था, तो बिहार से के रिलेशन में हमसे बेसिकली पूछा गया है, तो हम यहाँ का भी बताएंगे कि बिहार में क्या क्या हुआ था इस समय पर। तो जो पटना के छात्र थे उन्होंने काफ़ी उत्साह दिखाया था इसमें, काफ़ी अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट किया था और उनका साहस का ही परिणाम था कि 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में राष्ट्रीय ध्वज जो था वो फहराया गया था, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने उनको काफ़ी ज़्यादा, जो ये छात्र थे उनके द्वारा जो आंदोलन किया गया था उसको दबा दिया था और ब्रिटिश आदेशों के परिणाम स्वरूप ही जो 7 छात्र थे वो शहीद हो गए थे। सहरसा और सुपौल में पंचायती राज के भी यहाँ पर प्रयोग किए गए थे, तो सहरसा और जो सुपौल नामक जो जगह हैं वहाँ पर इस समय पर पंचायती राज के एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए थे, जैसे कि हम देखते हैं पैरेलल गवर्नमेंट्स भी इस समय पर अपनाई गई थी सतारा जैसी जगहों में। तो इस तरह से बिहार में ऐसे हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। नेपाल में जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण सिंह, राम मनोहर लोहिया जैसे जो बिहारी नायक थे इन्होंने देश की सेवा करने के लिए आज़ाद दास्ता की भी स्थापना की थी, इसका आयोजन किया था, ठीक है। तो ये जो आज़ाद दास्ता है इसको फ्रीडम ब्रिगेड भी कहा जाता है, ये बेसिकली नेपाल में आयोजित की गई थी और इसके माध्यम से जो ब्रिटिश मशीनरी थी उसको पैरालाइज करने का प्रयास किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बिहारी लोग हैं उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाई, उनकी जो भागीदारी थी वो असाधारण थी और उन्होंने आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरह से हम इसको कंक्लूड करते हैं, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन में बात की गई है कि पर्यावरण प्रदूषण जो है इसके क्या कारण हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं उस पर भी हमको चर्चा करनी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है। देखिए ऐसे तो हम सबको पता है लेकिन अगर हमसे डिफाइन करने के लिए पूछा जाए तो हम उसको शायद डिफाइन ना कर पाए। तो बेसिकली ये वायु, जल और मिट्टी के किसी भी घटक की जो भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताएँ हैं उनमें कोई अनडिज़ायरेबल चेंज होता है, ठीक है। यानी कि एयर, वाटर और सॉइल के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में जो चेंज होता है अनडिज़ायरेबल, उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, तो अगर आपको पॉइंट वाइज लिखने होंगे तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा लिखने की, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें लगता है अरे ये बहुत ईजी हैं जो हमें आते हैं, लेकिन जब हम लिखने का प्रयास करते हैं तो शायद उसको हम प्रॉपरली फ्रेम ना कर पाएँ। तो पहला पॉइंट हो जाएगा जीवाश्म मीथेन के जलने से, औद्योगिक उत्सर्जन यानी कि इंडस्ट्रियल एमिशन, इंडोर एयर पोल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज वेस्ट, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ये सारे ही रीजंस हैं हमारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन के। ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो हम एक जेनरिक आंसर ना लिखकर थोड़े डेटा का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई भी डेटा हो रिसेंटली आपने पढ़ा हो उसको अगर हम ऐसे आंसर्स में ऐड करेंगे तो हमारे दूसरों से आंसर्स बेटर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया है, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 में जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ है फॉसिल फ्यूल कंबस्टन से, तो वो लगभग इक्वल है 75% उसके जो यूएस के मानव के द्वारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन्स की गए हैं उसका, उसके बराबर है वो CO2 का फॉसिल फ्यूल्स से जो एमिशन हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का अगर हमें डेटा, ज़रूरी नहीं है आप इसी को नोट करें, शायद पुराना भी हो गया हो, तो जो भी आपके पास रीसेंट डेटा अवेलेबल हो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कौन कौन से किए गए हैं। यूनेप की स्थापना की गई थी, तो यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था। फिर हम देखते हैं मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है, ये काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है, ये 1987 में साइन किया गया था और 1989 में ये फोर्स में आया था। ये बेसिकली था रेगुलेट करने के लिए ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन से को डिक्रीज करने से रिलेटेड है, इसको साइन किया गया था 11 दिसंबर 1997 को और ये लाया गया था फोर्स में 16 फरवरी 2005 को, ठीक है। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें USA और कनाडा जैसी कंट्रीज इसके पार्टिसिपेंट नहीं हैं,
ठीक है। और उसके बाद आता है पेरिस क्लाइमेट चेंज जो 2016 में किया गया था, जिससे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर यूएस ने बाहर निकलने की बात की थी, लेकिन इसको फिर से रिज्वाइन करने की बात की गई है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो ये कुछ ऐसे प्रयास हैं जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं। इसके अलावा भी आप और मेंशन कर सकते हैं, और इसमें जैसे कंक्लूजन अगर आपको देना है तो आप लिख सकते हैं इन प्रयासों को जो धरातल पर यानी ग्राउंड लेवल पर प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि जो भी प्री इंडस्ट्रियल लेवल से पहले के जो भी हमारे एम हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमने रखे हैं, उनको हम सही से और सही टाइम पर पा सकें, प्राप्त कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बात की गई है हमें इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी पॉलिटी एंड इकोनॉमी को डिस्कस करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम पहले जो वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन है उसको थोड़ा सा डिफाइन करें, और उसके बाद सब पर एक एक करके उसके इम्पैक्ट को डिस्कस करें। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ये सार्वभौमिक रूप से लोगों, निगमों और सरकारों के बीच में पारस्परिक यानी कि म्यूचुअल संबंध है। ठीक है, इसी का परिणाम है कि आज जो पूरा विश्व है ये एक छोटे से गांव के रूप में तब्दील हो गया है, और सभी लोग आपस में एक दूसरे से इतने पास से जुड़ गए हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का अगर हम प्रभाव देखें तो सबसे पहले हम प्रभाव देखते हैं समाज पर। तो समाज पर अगर हम प्रभाव देखेंगे तो शिक्षा पर प्रभाव, वेस्टर्नाइज जो एजुकेशन है आज हमारे यहाँ उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। शहरों का जो विकास हो रहा है उसमें भी जो सिटीज़ डेवलप हो रही हैं वो भी ग्लोबलाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। जो विवाह मैरिजेस हैं उसमें भी अगर हम देखें तो लव मैरिजेस का प्रभाव ज़्यादा बढ़ा है, लव मैरिजेस का प्रचलन ज़्यादा बढ़ा है, ये भी ग्लोबलाइजेशन का ही इम्पैक्ट है। न्यूक्लियर फैमिलीज यानी कि एकल परिवार भी ग्लोबलाइजेशन के परिणाम स्वरूप ही हैं, जो जॉइंट फैमिलीज थी वो अब न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट होती जा रही हैं। हमारे क्लोदिंग में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं राजनीति पर प्रभाव। देखिए राजनीतिक भूमिकाओं और प्रणाली के बारे में जो नागरिकों की जानकारी है और जो ज्ञान है उस पर प्रभाव पड़ा है। आज ग्लोबलाइजेशन का ही इम्पैक्ट है कि जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल लीडर्स को देखते हैं, फिर उनसे कंपैरिजन करते हैं हमारे यहाँ के लीडर्स का। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, और बाहर से हमको जस्टिस, इक्वालिटी यानी कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, प्रतिस्पर्धा, तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी हमको पता चलता है, जिसकी वजह से हम और ज़्यादा अपने अधिकारों के प्रति और सजग हो जाते हैं जब हम दूसरे देशों से चीज़ों को देखते हैं। तो वैसा ही हम यहाँ पर भी करने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारी पॉलिटी पर प्रभाव हो गया। फिर हम देखते हैं अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। उत्पादकों के बीच में बड़ी प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है प्रोड्यूसर्स के बीच में, और जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके सामने बहुत वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आ गए हैं। जो FDI है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में ही हमें प्रभाव देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, और बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने जो शीर्ष भारतीय कंपनियां हैं इनको भी नई तकनीक और उत्पादन विधियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो बाहर के विदेशों से हमें टेक्नोलॉजी भी प्राप्त हुई है जो हमारी जो कंपनीज हैं उनके द्वारा अपनाई गई है, और जो कुछ हमारी भारतीय कंपनियां हैं वो भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के रूप में उभरी हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देख लिया, ये हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के परमाणु सिद्धांत पर हमको निबंध लिखना है कि जो इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रहा है, तो जो भारत का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रहा है इसका क्या सिद्धांत रहा है, किस सिद्धांत पर आधारित रहा है। देखिए स्टार्टिंग में तो इंडिपेंडेंस के बाद हमारी ये पॉलिसी रही थी कि हम कोई भी न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड कुछ भी डेवलपमेंट नहीं करेंगे, जो भी हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा वो डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा, उसका हम एनर्जी प्रोड्यूस करने में ही प्रयोग करेंगे, राइट। लेकिन फिर धीमे धीमे हम देखते हैं चाइनीज़ स्ट्रैटेजी को, और चाइनीज़ जो हमारे ऊपर वॉर हुआ उसके बाद हमारी जो इंडियन पॉलिसी थी उसमें भी कुछ चेंजेस हुए, जिसकी वजह से आज हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो किस पे बेस्ड है, नो फर्स्ट यूज़ पर। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है लेकिन हमने ये कह रखा है कि हम किसी भी देश पर पहले न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग नहीं करेंगे, राइट। तो हमारी जो है उसको हम देख लेते हैं चीज़ों को। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि एक विश्वसनीय न्यूनतम निवारक निर्माण और रखरखाव पर ये आधारित है, ठीक है। और नो फर्स्ट यूज़ मैंने आपको बता दिया, परमाणु हथियारों का उपयोग केवल भारतीय क्षेत्र या कहीं भी भारतीय बलों पर परमाणु हमले के प्रतिशोध में ही किया जाएगा, एज अ रिजल्ट उनके अगेंस्ट किया जाएगा, हम कभी भी पहले आक्रमण नहीं करेंगे। परमाणु प्रतिशोध बड़े पैमाने पर होगा ये हमने कह दिया है कि हम पहले नहीं करेंगे, लेकिन यदि हम पर हमला होता है तो हम उसका बड़े पैमाने पर और अत्यंत जो क्षति पहुँचाने वाला हमला होगा वो हम कर सकते हैं। और परमाणु प्रतिशोधी हमलों को केवल परमाणु कमान प्राधिकारी जो प्राधिकरण है इनके माध्यम से नागरिक राजनीतिक नेतृत्व द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, यानी कि जो इसकी जो अथॉरिटी है ये सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप के पास ही होगी, ठीक है।
मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पास ये अथॉरिटी होगी कि वो न्यूक्लियर वेपन के यूज़ करने का हमें परमिशन प्रोवाइड करे। मिलिट्री इसका प्रयोग ऐसे नहीं कर सकती। जो गैर परमाणु हथियार राज्यों के खिलाफ, कभी भी हम परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम पर कोई भी जैविक या रासायनिक हथियारों से भी हमला होता है तो इस दशा में जो भारतीय सेना है वो परमाणु हथियारों से उसका हमला कर सकती है, उसका जवाब दे सकती है। परमाणु और मिसाइल संबंधित जो सामग्री है और प्रौद्योगिकी जो है, इसकी निर्यात पर सख्त नियंत्रण को बनाए रखने का ये भारत समर्थक रहा है। भारत चाहता है कि इसका जो भी एक्सपोर्ट होता है इन सब चीज़ों पर सख्त नियंत्रण बना रहे, और गैर भेदभावपूर्ण जो परमाणु निरस्त्रीकरण का प्रोग्राम है उसका भारत क्या करता है, समर्थन। भारत के हिसाब से जो भी न्यूक्लियर वेपन के डिसआर्ममेंट से संबंधित जो भी प्रोग्राम्स लाए गए हैं वो गैर भेदभावपूर्ण होने चाहिए। लेकिन अगर हम देखें वास्तविकता में तो ये गैर भेदभावपूर्ण नहीं है। जो भी पावरफुल नेशंस रहे हैं, US वगैरह, ये अपने पक्ष में इसको निर्मित कर रखे हैं, राइट। तो ये हमारा पूरा हो गया भारत की परमाणु सिद्धांत, राइट। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, अब हमको मनरेगा पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है कि ये जो मनरेगा है, MG NREGA, ये महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत बनाया गया था। और इसके माध्यम से क्या करने का प्रयास किया गया था, राइट टू वर्क देने की कोशिश की गई थी, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो व्यक्ति कार्य करना चाहता है उसको कम से कम 100 दिन का रोज़गार देने की बात की गई है। और ये काफ़ी बड़ी और महत्वाकांक्षी स्कीम रही है, ये दुनिया की सबसे बड़ी काम की गारंटी देने वाली स्कीम है, ठीक है। और इसमें प्रत्येक घर में प्रत्येक जो वयस्क व्यक्ति है उसको स्वैच्छिक काम करने के लिए कम से कम 100 दिन का रोज़गार दिया जाना है। और रिसेंटली 2020 में हमने देखा, जब कोविड क्राइसिस आया, जो अभी भी चल रहा है, लेकिन जब फर्स्ट वेव आई थी तो उस समय पर कोविड क्राइसिस में जो माइग्रेंट लेबरर्स थे वो वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, जिसकी वजह से सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत जो उनका बजट था उसको बढ़ाया और लगभग 40,000 करोड़ का एडिशनल बजट उसमें ऐड किया, ताकि जो ये माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको सुरक्षा, आजीविका की सुरक्षा प्रदान की जा सके, ठीक है। तो इस पर हमको अगर टिप्पणी करनी है तो ये हम पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं। इसके साथ ही हम ये भी बता सकते हैं कि ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्कीम साबित हुई है, क्योंकि इसके जो बेनिफिशियरीज हैं उसमें एटलीस्ट वन थर्ड बेनिफिशियरीज विमेन हैं, ये एक रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से सामने आया है। साथ ही इसके साथ हम कुछ चैलेंजेस भी कह सकते हैं, अगर आपको टिप्पणी लिखनी है और उसके हिसाब से जितने भी वर्ड लिमिट हो तो उसमें कुछ आप और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं कि इसके जो फंड्स हैं वो डिक्रीज हुए हैं। पहले काफ़ी ज़्यादा फंड्स एलोकेट किए जाते थे, लेकिन अब समय के साथ इसके एलोकेशन में कुछ कमी देखी गई है, और लैक ऑफ फंड्स के कारण ये अपने ऑब्जेक्टिव को अटेन नहीं कर पा रहा है। और जो वेजेस होते हैं, जो भी लोग हैं उनके वेजेस भी टाइमली उनको नहीं मिल पाते हैं, जबकि इसमें कहा जाता है विद इन 15 डेज उनको दे दिए जाएंगे, लेकिन वो डिस्पर्स नहीं हो पाते हैं। करप्शन बहुत देखने को मिलता है, और जो PRI है यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स, उनकी भूमिका जो है वो इसमें उतनी इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं दिखाई देती, ठीक है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। लेकिन अगर हम, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी जॉब गारंटी स्कीम है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो इंडिया में जहाँ पर पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी बहुत गंभीर समस्याएं हैं और विकट रूप से ये वर्तमान समय में हमें दिखाई दे रही हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम साबित हो सकती है। और इसमें कुछ और प्रोविजंस करके, कुछ जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी कुछ एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्कीम्स का, जैसे निर्माण करना हो गांवों में, छोटी छोटी जगह पर जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो चुका हो वहाँ पर एफॉरेस्टेशन करना हो, तो ऐसे कार्यों में अगर हम इन लोगों को लगाएंगे तो इनके लिए आजीविका का भी स्रोत बढ़ेगा वो, और साथ ही ये हमारे पर्यावरण के लिए भी बेहतर हो सकते हैं। तो इस तरह से हम कुछ और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, और इसमें करप्शन को कम किया जाए, लोगों को टाइमली वेजेस दिए जाएं, ठीक है। तो ये ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं दूसरा, प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। देखिए कम्युनलिज्म की क्या प्रॉब्लम्स हैं, सांप्रदायिकता यानी कि कम्युनलिज्म जो है इसका मतलब होता है किसी भी धार्मिक समूह के प्रति अंधनिष्ठा, यानी कि ब्लाइंड लॉयल्टी किसी इंसान की अपने रिलीजियस ग्रुप की तरफ, वही होती है हमारी सांप्रदायिकता। देखिए यहाँ पर हम समस्या की बात करें तो सांप्रदायिक राजनीति एक इम्पॉर्टेंट समस्या के रूप में दिखाई देती है। जो पॉलिटिशियंस हैं वो संप्रदाय के हिसाब से पॉलिटिक्स करने लगते हैं, जिससे जो हमारी सोसाइटी है उसमें डिविजन दिखाई देता है, और ये वर्तमान में भी हमको एग्जाम्पल इसके दिखते हैं। उसके बाद आर्थिक स्थिति भी, लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो भिन्न होती है कम्युनिटीज़ में, कुछ कम्युनिटीज़ ज़्यादा डेवलप कर चुकी हैं, ज़्यादा ग्रो कर चुकी हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम के रूप में है। भौगोलिक कारण अगर देखें तो किसी क्षेत्र में एक कम्युनिटी का निवास है और दूसरे क्षेत्र में दूसरा, तो वो भी कम्युनलिज्म के लिए एक प्रॉब्लम हो जाता है कि वो गुट बन जाते हैं।
मनोवैज्ञानिक कारण अगर हम देखें तो हमारी हिस्ट्री जो है उसको अगर हम एक बार देखें तो हम पाते हैं कि इंडिया का जो डिवीजन हुआ था वो कम्युनल लाइंस पर हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकली हमको अफेक्ट करता है। और मीडिया की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि मीडिया को ऐसी चीज़ें दिखानी चाहिए जिससे हम कम्युनल हार्मनी को बढ़ावा दे सकें, लेकिन इसके विपरीत मीडिया में अक्सर ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिससे ये जो कम्युनल वायलेंस है उसको बढ़ावा मिलता है, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, और कोई जैसे रीसेंट इंसिडेंट हुआ हो कोई कम्युनल वायलेंस है ऐसा कुछ, तो उसको भी आप अपने आंसर में यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए 46th और 47th जो बीपीएससी का पेपर हुआ था इसको भी हम यहीं पर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। इन केस अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं प्रयास करूँगी कि उसका आंसर दे सकूँ। तो ये सब हम इसी में कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा GS2 का होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि भारत में आतंकवाद के कारणों और उसके बढ़ते खतरों पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। आलोचनात्मक टिप्पणी लिखनी है, इसका मतलब हमें बताना है कि जो वो प्रयास हैं उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं और उसके क्या क्या उसमें कमियाँ हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, भारत विभिन्न आतंकवादी समूहों से कई आतंकवादी हमलों का सामना कर चुका है। आपको पता है भारत में कई सारे हमले हो चुके हैं, आतंकवादी हमले होते भी रहते हैं, तो इसके कारण क्या है पहले तो ये देख लेते हैं, थोड़ा सा उस पर हमें लाइट डालनी होगी। तो राजनीतिक कारण, सबसे पहले तो असम और त्रिपुरा में जो बड़े पैमाने पर अवैध माइग्रेशन होता है इसको नियंत्रित करने में सरकार की विफलता एक प्रमुख कारण रही है आतंकवादी गतिविधियों की। और आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉजेज रहे हैं कि जो लोग गरीबी से लिप्त हैं, गरीबी में हैं, और जो अनएम्प्लॉयड हैं वो भी इन चीज़ों में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। जातीय कारण भी हमें देखने को मिलता है, एथनिक कॉजेस, ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर जो राज्य हैं जैसे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इन सब में जातीय अलगाव की भावना के कारण देखा जाता है, राइट। धार्मिक कारण भी है, मुख्य रूप से पंजाब में 1995 से पहले और 1989 के बाद, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी ये देखा गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है, ठीक है। तो ये सारे हो गए। उसके बाद उपाय की अगर बात करें तो इंडिया में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का निर्माण किया गया था। ये बनाया गया था जब मुंबई अटैक्स हुए थे 2008 के, उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी निर्मित की गई थी। और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन अधिनियम यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2008 भी इसी क्रम में लाया गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखनी है, तो आपको पता है कि इतने प्रयासों के बाद भी इंडिया में आज भी जो टेररिस्ट अटैक्स हैं वो होते रहे हैं, तो उसके लिए कई सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से हम टेररिस्ट एक्टिविटीज से निजात नहीं पा पा रहे हैं। तो उसके लिए हमारे इंटरनल रीजंस भी हैं। इंटरनल रीजंस में क्या आ जाएगा कि पावर्टी, और यहाँ पर हमने कारण देखे हैं ना क्यों हो रही है ये, तो ये रीजंस हैं जिसको अगर हम जिसको सॉल्व करने का प्रयास करें, पावर्टी जैसी जो समस्याएं हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रॉपर जो सरकार की नीतियां हैं उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए, और जो गवर्नेंस है उसको और बेहतर किया जा सके, और साथ ही सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए, इसके साथ जो ग्लोबल सपोर्ट है अगर इंडिया उसको भी प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े, जिसको काफ़ी समय समय पर प्राप्त करने का प्रयास भी किया जाता है, और गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की जो डेफिनेशन है उस पर भी इंडिया ने काफ़ी बार प्रयास किया है कि ऐसा टेररिज्म के बीच में कोई भेदभाव ना हो। तो इस तरह के जो प्रयास हैं अगर ऐसे किया जाए तो इंडिया टेररिज्म को कर्ब करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट और बेहतर प्रयास कर सकती है। हालांकि आपको कंक्लूजन में लिखना है कि एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी इंडिया को अपनाने की ज़रूरत है, जो एक मतलब हर दिशा में हर चारों तरफ से एक होलसम स्ट्रैटेजी हो जिससे इंडिया टेररिस्ट एक्टिविटीज से छुटकारा पा सके, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी प्रणाली है, जो हमारा गवर्नेंस है, जो हमारे लोगों की समस्याएं हैं, सबको एक साथ जिससे समस्या को सॉल्व किया जा सके, ठीक है। और आपको ये भी लिखना है हालांकि जो गवर्नमेंट है वो इस दिशा में काफ़ी अच्छे प्रयास कर रही है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म वो है, इसमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है जिससे हम इससे पूर्णतः सफलता पा सकें, क्योंकि ये टेररिज्म सिर्फ इंडिया के विद इन नहीं है, बाहर से भी आता है, तो डिप्लोमेटिकली भी इंडिया को अपने इश्यूज रिजॉल्व करने की ज़रूरत है नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमको शॉर्ट नोट लिखना है RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। जो ये RTI है ये भारत की संसद द्वारा लाया गया एक अधिनियम है, और ये नागरिकों को सूचना के अधिकार के नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। जो नागरिक है उनके सूचना के अधिकार के नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। इसके माध्यम से राइट टू इन्फॉर्मेशन सिटीजन्स को इंडिया के मिली है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा है कि जो नागरिक हैं वो और एम्पावर्ड हो सके
ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी यानी पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा सके, भ्रष्टाचार को कम किया जा सके, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को भी बढ़ाया जा सके। तो ये RTI एक्ट आया था 2005 में और इसमें आप थोड़े एग्जाम्पल्स भी मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको टिप्पणी लिखनी है। तो इसके जो शॉर्टकमिंग्स हैं वो भी लिख सकते हैं कि जो कुछ शॉर्टकमिंग्स सब में होती है, जैसे करप्शन हो गया, एक शॉर्टकमिंग इसकी भी हो गई, और जो लोगों को इसमें टाइमली जो भी वो RTI दाखिल करते हैं उसको रिजॉल्व नहीं किया जाता है। ठीक है, देखिए हमको यहाँ पर दूसरे में डिस्कस करना है इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन इंडियन लाइफ एंड कल्चर, यानी कि भारतीय जीवन और संस्कृति पर मीडिया का प्रभाव। आपको पता है मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो अगर हमसे प्रभाव पूछा गया है तो उसको अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव उसके दोनों ही एस्पेक्ट्स लिखेंगे तो हमारा आंसर बेटर हो सकता है, इंस्टेड हम सारे प्रभाव एक साथ लिखते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव प्रभाव क्या हो जाएगा कि ये जागरूकता पैदा करता है, ये लोगों को शिक्षित करता है, जैसे जो किसान के चैनल्स आते हैं वो किसानों को जानकारी प्रदान करता है, और इससे हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है, कला और संस्कृति, उसको भी बढ़ावा मिलता है, एंटरटेनमेंट का भी साधन है। लेकिन इसके ऋणात्मक नेगेटिव न्यूज़ क्या हो जाएंगी चीज़ें, वो हो जाएगा फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और ये बहुत ही एक इसका नेगेटिव ही परिणाम देखने को मिलता है, और वेस्टर्नाइजेशन को भी इसके द्वारा ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे दो नेगेटिव पॉइंट्स हो जाएंगे। तो इन्हीं जो प्रभाव है, इन्हीं पॉइंट्स को हम और एक्सप्लेन कर सकते हैं और ये हमारा आंसर इस तरह से हो जाएगा। और इसमें आप थोड़ा, जैसे यहाँ पर किसान चैनल का एग्जाम्पल दिया है, तो इस तरह से थोड़े एग्जाम्पल्स और ऐड कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बंगाल से बिहार को अलग करने और आधुनिक बिहार के उदय पर हमको प्रकाश डालना है, तो देख लेते हैं। देखिए, जो बंगाल प्रेसिडेंसी है इससे अलग राज्य के निर्माण की मांग पहली बार हुई थी 1868 में, कि बिहार जैसे राज्य का निर्माण किया जाए बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर। 1868 में ये निर्माण हुआ था, सॉरी ये मांग हुई थी, और उसके बाद बिहार बंधु पत्रिका ने 5 अप्रैल 1876 के संस्करण में अपने इसकी बात कही थी और लिखा था कि यदि बिहार लंबे समय तक बंगाल के साथ बना रहता है तो ये उसके हितों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो ये पत्रिका का नाम याद रखिएगा। उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने के प्रवेश से बिहार की जो मांग थी वो और तेज़ी से आगे बढ़ी। फिर हम देखते हैं कि 1907 से 1912 के बीच इस आंदोलन की बागडोर जो थी वो किसके हाथ में आ गई थी, ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, हसन इमाम और इन सब जो प्रमुख लीडर्स थे उनके हाथों में आ गई थी। बाद में बंगाल लैंड होल्डर्स एसोसिएशन जो था वो, उसके बाद बिहार प्रांतीय संघ और बिहार मुस्लिम लीग का एक प्रतिनिधिमंडल ने 14 अगस्त को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था और 12 दिसंबर 1911 को सरकार ने बिहार को बंगाल से फाइनली अलग करने की घोषणा कर दी थी और 22 मार्च को इसको अधिसूचित किया गया था। और फाइनली हम देखते हैं कि 1 अप्रैल 1912 को अलग राज्य के रूप में बिहार अस्तित्व में आया था। तो यहाँ पर हमको यही बेसिकली बताना है। तो इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं कि बंगाल से बिहार को अलग करने और आधुनिक बिहार के उदय पर प्रकाश डालना है, तो किस तरह से ये शुरू हुई मांग और किस तरह से ये फाइनली अलग हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें बात की गई है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए हमें भारत के दावों पर चर्चा करनी है। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा से ही, काफ़ी समय से ये करंट अफेयर्स में रहा है और कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डिस्कस किया है। इसके सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत जो है वो UN का एक फाउंडिंग मेंबर था, ठीक है, संस्थापक सदस्य रहा है, और भारत न केवल संयुक्त राष्ट्र को वित्त पोषण देता है, फंड्स प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल हेल्प, बल्कि ये संयुक्त राष्ट्र के जो शांति संचालन है, जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस है, जिसको UN जो है वो ऐसी कंट्रीज में भेजता है जहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, शांति स्थापित करने का प्रयास करता है इन मिशंस के माध्यम से, उसमें भारत ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है और भारत के लोग उसमें, जो भारत के सैनिक हैं वो उसमें काफ़ी अधिक नंबर में उसमें सम्मिलित हुए हैं, राइट। और भारत दुनिया की एक प्रमुख उभरती हुई आर्थिक शक्ति भी है, साथ ही एक स्वतंत्र विदेश नीति का भी अनुसरण करता है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से भारत दावे करता है कि हमको भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर के रूप में रखा जाए। फिलहाल इसमें कितने परमानेंट मेंबर्स हैं, 5, 10 टेम्प्रेरी मेंबर्स हैं, ठीक है। और ये जो 10 टेम्प्रेरी मेंबर्स हैं ये कितने कितने टाइम में रीइलेक्ट होते हैं, 2-2 साल में, ठीक है। सारी कंट्री की ये जो 10 टेम्प्रेरी मेंबर्स हैं इनका जो टर्म होता है ये 2 साल का होता है, और जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें कौन कौन सी कंट्रीज सम्मिलित हैं, एक हो गई चाइना, फिर फ्रांस, रशिया, UK और US, ठीक है। और आपको पता है चाइना एक मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंडिया जो है वो UNSC में सम्मिलित नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और फिलहाल जो 10 टेम्प्रेरी मेंबर्स हैं उसमें इंडिया एक टेम्प्रेरी मेंबर है, और इसके दावों के जो मेन कारण हैं वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, और ये चाइना के चक्कर में और भी जो कुछ रीजंस हैं
उनके चक्कर में इंडिया सम्मिलित नहीं हो पा रहा है, जबकि मेन जो रीज़न है वो चाइना ही है, जबकि फ्रांस और यूएस जैसे जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा इसमें समर्थन करते हैं। और आपको पता है ये परमानेंट मेंबर्स के पास क्या है, वीटो पावर, जिसकी वजह से यदि वो उसका प्रयोग कर देते हैं तो कोई भी प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाता है और वो वहीं पर खारिज हो जाता है। तो ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये किसी भी एग्जाम के लिए आप इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं बन पा रहा है काफ़ी टाइम से और हमेशा से इसकी ये मांग रही है, राइट। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ, और कोई भी क्वेश्चन हो अगर इससे रिलेटेड, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि मैंने मिस कर दिया है, तो आप उसको कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी उसको सॉल्व करने के, आपके इशू को रिजॉल्व करने के लिए। और नेक्स्ट हम कवर करेंगे जीएस पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो उसमें मिलते हैं। थैंक यू सो मच।